लखनऊ में नैतिक पार्टी का 16वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नैतिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे और प्रदेश अध्यक्ष जेपी दुबे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को बताते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत में सुधार न होने का मुद्दा उठाया। लखनऊ से संवाददाता रशीद अलवी की रिपोर्ट। इसका सफ़र तो हम लोग बताया कि मैंने कि व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते थे और व्यवस्था के खिलाफ नैतिक पार्टी 16 साल से लड़ती थी, चुनाव में भाग लेती रही, लेकिन व्यवस्था का हम लोग लगता है कि 16 साल तक हम लोग पकड़ नहीं पाए। दोष व्यवस्था का नहीं है, दोष व्यक्तियों का है और ये पहचान हम 16 साल में किए और इसीलिए मैंने इस बार 16वें साल में सारी जो मोदी जी जो व्यवस्था के शीर्ष पर हैं उनके कार्यों का आकलन किया और उनके कार्यों के आकलन के बाद महसूस ये हुआ कि देश में 30 करोड़ लोगों के लिए काम करके उनके बीच में जगह बना के उनके उनको उनको ताकत दे के और उनसे ताकत लेके मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बना तो बन सकते हैं और यही उनकी कोशिश है। लेकिन 100 करोड़ लोगों का जो उपेक्षा और उपहास हुआ है, गाँव में जो आदर्श गांव है जिसको मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम उनके पांचों जो मथुरा, काशी और अयोध्या के जो पांच क्षेत्र हैं वहाँ जो आदर्श गांव जो उन्होंने गोद लिया, उन गांव के आदर्श गांव के जो गोद लिए गांव को आप देखें, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूँ कि उन गाँव में जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जिनके अधिकारी हैं, 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं।